जब भी आप भोजन करें, भोजन करने के बाद कम से कम 15 मिनट विश्राम अवश्य करें। और विश्राम करने का तरीका हमने बताया, बाएं करवट लेट करके विश्राम करें ताकि आपके भोजन का डाइजेशन अच्छी तरह से हो और पेट को सपोर्ट मिल जाता है, जिससे एसिड वगैरह हैं, एसिडिटी या भोजन का जो पदार्थ है वो बाहर ना आ जाए, गले में ना आता है, नहीं आता है। दाहिनी तरफ करने से फिर ये दिक्कत होती है। यदि आप स्वस्थ हैं तो 15 मिनट कम से कम वज्रासन में बैठने का प्रयास करना। वज्रासन ही एकमात्र आसन है जो भोजन के बाद किया जा सकता है, और वज्रासन में भोजन का पाचन बहुत अच्छी तरह से होता है, डाइजेशन बहुत सुंदर होता है। वज्रासन में बैठना चाहिए। अभी जिस आसन में बैठा हूँ यही वज्रासन है। वज्रासन में जैसे हम बैठे हैं तो देख रहे हैं कि ये पैर मुड़ गया है, तो इस तरफ खून का दौरा कम हो जाता है और जो खून है वो हमारे पेट की तरफ दौड़ने लगता है, हृदय के ऊपर कम से कम दबाव पड़ता है, और ये भी देख रहे हैं कि पेट को पूरा स्पेस मिल गया है। खाना खाने के बाद जो भोजन जो बचता है, डाइजेस्ट होता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसका आयतन बढ़ता है, तो उसे जो है भरपूर जो है स्पेस मिलता है, तो भोजन को पचाने में बड़ी सहायता मिलती है। दूसरा, वज्रासन से हमारी शरीर भी वज्र की तरह माफिक हो जाता है, वज्र की तरह सशक्त होता है, डाइजेस्ट सिस्टम बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वज्र क्या था? इंद्र का आयुध था जो वृत्तासुर के मारने के लिए दधीचि ऋषि के हड्डियों से निर्मित हुआ था। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर नाना प्रकार के वृत्तासुर, जैसे असुर किसको बोलते हैं वेद में, असुर जो है ना, ये रोगाणु कीटाणु ये जब जो है ये सारे, इनको असुर कहा गया है। ये जो है ना देखन में छोटन लगे पर भयंकर होते हैं, प्रभाव करें गंभीर, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो इससे हमारी रोग से लड़ने की ताकत इतनी बढ़ जाती है, प्रतिरोध क्षमता, रोग से लड़ने की ताकत है, यानी हमारे रेजिस्टेंस पावर, डिफेंस मैकेनिज्म इतना शानदार होता है जैसे हमारा शरीर वज्र की तरह होता है। इस आसन में वैसे भी बैठना चाहिए और वैसे भी ये आसन बहुत उपयोगी है, खास करके भोजन के बाद इस आसन में बैठना ही चाहिए। ये बड़ा अद्भुत आसन है, अद्वितीय आसन है जो भोजन के बाद किया जा सकता है। तो खाना खाने के बाद विश्राम करना बहुत जरूरी है।